अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ असान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल महान्स किचन काउंटर। तो व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है मिंट मार्गरीटा। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप अफ्तार में सर्व करेंगे तो लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलें झटपट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, मिंट मार्गरीटा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है तकरीबन 300 ग्राम के जितने कुकम्बर। आप एक पाव भी ले सकते हैं और इसको इसमें ऐड कर दें। कुकम्बर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगा तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितना लेमन जूस है, फ्रेश लेमन जो होते हैं या लाइम, उसका जूस निकाल लें और वो ऐड कर दें। लेमन जूस के बाद मैंने यहाँ पर मिंट लिया है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मिंट लीव्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 1 टी स्पून के जितना सॉल्ट। मैं यहाँ पर पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा 4 टेबल स्पून के जितनी शुगर। शुगर के साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगा पानी, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके। पानी बिल्कुल आपको थोड़ा सा ही ऐड करना है, तकरीबन 1 कप के जितना, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको तो व्यूवर्स, एक मिनट ब्लेंड करने के बाद ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम आइस ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी मैंने 12 क्यूब्स के जितने ले लिए थे, तकरीबन 8 ट्रे, वो इसमें ऐड कर दें। मिंट मार्गरीटा हमेशा जो है वो ठंडा ही अच्छा लगता है, तो इसको हम दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये आइस डाल के भी हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसके अंदर हम ब्लेंड नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब हम मैंने यहाँ पर सोडा लिया है एक, आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हमें ब्लेंड नहीं करना है, वरना सोडा के जो जितनी वो होगी ना गैस, वो सारी निकल जाएगी। बस ये मिंट मार्गरीटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको हमेशा सोडा जब ऐड करना है जब आप इसको सर्व कर रहे हो। अब इसको हम सर्व करके फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारा मिंट मार्गरीटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने देखा कि कितनी जल्दी ये रेडी हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स इसके तकरीबन घर में ही मौजूद होते हैं। हीट स्ट्रोक भी जिस तरह हो रहा है आजकल रमज़ान में, और गर्मी भी बहुत होती है, तो इफ्तार टाइम में ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है बिल्कुल, और जैसे ही आप इफ्तार टाइम में इसको कंज्यूम करेंगे तो आपको बिल्कुल एक रिफ्रेशिंग का एहसास होगा। तो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको मिंट मार्गरीटा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।